सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 24 तारीख की तो कुंभ राशि वालों के लिए 24 तारीख की सबसे पहले पंचांग समझ लेना चाहिए क्या है। 24 तारीख के दिन विशेष तौर पर जो चतुर्थी तिथि उदयातिथि के रूप में विद्यमान है, सोमवार का अवसर है और खासतौर पर मृक्षिरा नक्षत्र विद्यमान है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा और साथ साथ माँ भगवती दुर्गा की आराधना का, शिव की आराधना करने का बड़ा सुंदर अवसर है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए कार्य को आप यदि आरंभ करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बन सकती है आपके लिए। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अभी बिल्कुल प्रशस्त बना हुआ है। भाग्य के द्वारा बहुत अच्छे से कार्य संपादित होने के योग बन सकते हैं, तो ऐसे में भाग्य का पूर्ण उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुध थोड़े अस्त चल रहे हैं वक्री स्थिति में, तो आप ऐसे में एक काम करें, गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, हरी चीज़ों का दान करने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर कुछ हरी सब्जी ले जाकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे आपके पुरुषार्थ से दिन अच्छा रहेगा। लाभ की स्थिति चंद्रमा भी आपके लिए परिवर्तन की तरफ जाएंगे, करीब करीब दोपहर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वो आपके लिए अच्छा है, चिंता ना करें, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि मंगलवार की हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगलवार के का पंचांग जो है वो पंचमी तिथि, मंगलवार का शुभ अवसर, आर्द्रा नक्षत्र विद्यमान और उस दिन आदि शंकराचार्य जी की जयंती है और भगवान महाराज सूरदास की भी जयंती भी उस दिन पंचांग के अनुसार से कही जाती है। तो ऐसे में भगवान आदि शंकराचार्य का पूजन अवश्य करना चाहिए और साथ साथ मंगलवार का शुभ अवसर पड़ रहा है। ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आपका लाख बुरा चाहे कोई, लेकिन आपका बुरा नहीं होगा। इसलिए लोगों के चाहने के चक्कर में हटिए, अपनी चाल में मस्त होइए। आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त है, सफलता का द्वार खुला हुआ है, लेकिन चलना तो खुद पड़ेगा। बैठे बैठे रे मना बैठे से कुछ नहीं होगा। चलिए, उठिए, तैयार होइए और आप काम करने पर लगिए। आपके लिए ग्रह आपके अनुकूल है, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ, फिर किस लिए चिंता करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए केवल आप अपने आप को जगा के रखने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति अस्त है, इसलिए विचारों पर आप अभी तरह उदय नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए विचारों को उदय करने का प्रयास कीजिए और गुस्से से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो गुस्से से बचते हुए कार्य करें, नमक का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं हम अब बात कर लें बुधवार की, तो बुधवार के लिए ग्रहों का योगायोग कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और खासतौर पर उस दिन 26 तारीख के दिन क्या कुछ रहेगा पंचांग की स्थिति। तो 26 तारीख को पंचांग की स्थिति दिखाती है कि षष्ठी की तिथि है और बुधवार का शुभ अवसर है और उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि खासतौर पर आपके लिए ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आगे बढ़ने के मार्ग आज भी प्रशस्त कर रहा है। निर्द्वंद्वता, देखिए मिथुन में जब चंद्रमा चल रहे होते हैं तो विशेष तौर पर कई बार हाँ ना में व्यक्ति फंस जाता है, उससे निकलिए। आपके ज्ञान का उदय बृहस्पति जो है आपके लिए भाग्य में सपोर्ट करने को तैयार बैठा है और साथ साथ राहु आपके लिए इतना सुंदर त्रिक भाव में बैठा हुआ योग बना रहा है, तो ऐसे में मित्रता का उपयोग कीजिए, लोगों का उपयोग कीजिए, सामर्थ्य का उपयोग कीजिए, अपने साहस को लगाइए। देखिए केवल आपके बाहुबल के द्वारा काम हो सकता है, लेकिन मन में अंतर्द्वंद्व जो चल रहा है, हाँ ना की स्थिति चल रही है, वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ऐसे में आपको गौशाला में जाकर थोड़ा पालक का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको करते हुए कार्य करें, कल्याण के योग बनेंगे। यदि हम बात करें 27 तारीख का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है और उस दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग, तो कुंभ राशि वालों के लिए एक समझ लीजिए पंचांग। सबसे पहले सप्तमी की तिथि उस दिन विद्यमान है, बुध बृहस्पतिवार का अवसर है और खासतौर पर गुरु पुष्य योग बन के आ रहा है। ये गुरु पुष्य योग बड़ा ही सुंदर योग होता है, जैसे अक्षय तृतीया का भी गई है उसी प्रकार से गुरु पुष्य योग का भी बड़ा सुंदर समय होता है। ऐसे में कुछ नया कार्य आरंभ करना, कुछ नया चीज लेना, नई गाड़ी वाहन घोड़ा कुछ भी आप जो लेना चाहते हैं, कुछ नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, तो इसका सुंदर उपयोग आप कर सकते हैं। बड़ी सुंदर तिथि है, गुरु पुष्य योग भी बना हुआ है और गंगा सप्तमी भी है इस दिन। कहा जाता है कि बड़ा पुण्य का समय होता है, ऐसे में आप दान का करने का बड़ा शास्त्र महत्व तो कहा गया है। गंगा स्नान करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, ये बड़े कल्याणकारी योग बनते हैं। लेकिन चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, वो रात के बाद बदलेगी, लेकिन आज का पूरा दिन आपके लिए जो दिखा रहा है खासतौर पर चंद्रमा जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश करना थोड़ा रोगकारक हो जाता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, चावल का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जरूरी भी रहेगा, तो इसको करते हुए कार्य करना चाहिए, आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं 28 तारीख की हम बात करें तो 28 तारीख को शुक्रवार का रहेगा अवसर और पंचांग कहता है विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग
आपके लिए स्वास्थ्य के संबंध में और शत्रुओं से सावधान रहते हुए, कॉम्पिटिटर से सावधान रहते हुए काम करने की ज़रूरत है। बेकार घर में किसी से क्लैश ना हो, इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो तिथि है वो विशेष तौर पर अष्टमी तिथि विद्यमान है, और अष्टमी तिथि के साथ साथ जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो साथ साथ शुक्रवार पुष्य नक्षत्र विद्यमान रहेगा सुबह उदय तिथि के तौर पर। उस दिन दुर्गा अष्टमी और साथ साथ उस दिन बगलामुखी जी की जयंती भी है। ग्रह एक तरफ दिखा रहे हैं कि आपके शत्रु आपको परेशान करने वाले हैं, आपके आंतरिक शत्रु काम क्रोध मद लोभ भी आपके जीवन में परेशान करने के योग दे रहे हैं। तो आप एक मंत्र, भगवती बगलामुखी का मंत्र है ओम ह्रलिंग नमः, इस मंत्र का यथा उचित भाव से जप करने का प्रयास करें। ये शांति पौष्टिक मंत्र है, प्रसन्नता उदय करने वाला मंत्र है। कई लोग ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम, ये बगला जी के मंत्र को उनकी प्रसन्नता के लिए उदय जप करना शुरू कर देते हैं। ये प्रसन्नता के लिए मंत्र नहीं है, ये आपके शत्रुओं को शमन करने के लिए मंत्र है। तो इसलिए कोशिश ये करें भगवती बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए ओम ह्रलिं नमः इस मंत्र का जप करें, और पीली चीज़ों का दान करें, भगवती को पीले पुष्प अर्पित करें, उससे आपके जीवन में लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करने की आपको जरूरत दिखाई देती है। यदि हम शनिवार की बात करें 29 तारीख की, तो कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग योग दिखा रहा है परिवर्तन के योग, और यह परिवर्तन आपके लिए शुभ होगा। आपके सोचे हुए कार्यों को पूर्ण करने में, आपके विचारों में सही दिशा पकड़ने में अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। शनिवार का अवसर है, और साथ साथ नवमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन जानकी सप्तमी है, माँ भगवती सीता की उत्पत्ति का यानी उनका जन्मोत्सव विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में मनाया जाता है। इस दिन वैशाख की नवमी के दिन, जिसको जानकी नवमी कहा जाता है, सीता नवमी के रूप में भी कहा जाता है, इस दिन विशेष तौर पर सौभाग्य प्राप्त करने के निमित्त स्त्रियों को विशेष तौर पर सौभाग्य के समान को दान करना चाहिए, माँ भगवती सीता जी का पूजन करना चाहिए, और उनके सतीत्व से जीवन में खासतौर पर इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कैसे हम अपने पति की सेवा करके जीवन में यश भक्ति और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य हमको उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि आपके सोचे हुए कार्यों को, आप जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उसको सही दिशा में ले जाकर आप कार्यों में सफलता प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और इस दिन ब्राह्मणियों के निमित्त सौहाग सौभाग का, जो सौहाग का समान होता है, उसको अवश्य दान करने का प्रयास करना चाहिए। उससे आपके जीवन साथी के जीवन में, स्वास्थ्य में कई प्रकार की वृद्धि के संकेत मिल जाते हैं। आगे हम बात कर लें विशेष तौर पर रविवार की। रविवार का दिन 30 तारीख का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बृहस्पति तो परिवर्तित हो गए, तो कुंभ राशि वालों ये समझो कि खासतौर पर इस दिन बृहस्पति का उदय होने जा रहे हैं, और बृहस्पति का उदय होना एक नव शक्ति का संचार करेगा आपके जीवन में, नए विचारों का। बृहस्पति का परिवर्तन भी हो गया था, और परिवर्तन भी बड़े महत्वपूर्ण भाव में, पराक्रम के भाव में, साहस के भाव में हुआ है, और ये दिखाता है कि आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति के आपको संकेत प्राप्त होंगे। ये बृहस्पति का उदय होना, कई दिनों से इंतजार था, एक महीने से करीब बृहस्पति महाराज अस चल रहे थे और जीवन में कुछ कष्ट देने के योग दे रहे थे। अब बृहस्पति का उदय होना आपके विचारों में, आपके अंदर साहस में, आपके भाग्य में सब प्रकार से उन्नति देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर एक हम अलग से एपिसोड बनाने भी जा रहे हैं। आप जो हमारे आचार्यवाणी के चैनल में जो लोग देखते हैं, इस पूरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको अच्छे समझ सकते हैं, आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने के योग बनने वाले हैं आपके लिए। ये दिन विशेष तौर पे आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, उन्नति के योग बनाएगा, और खासतौर पे बृहस्पति के उदय होते ही नव शक्ति का संचार आपके जीवन में होने के योग बनेंगे। तो आप सबके जीवन में कल्याण के योग बने, ईश्वर आपकी समस्त मनोकामनाएं जो अच्छी हैं वो पूर्ण करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद।